शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाए यह सात चीजें। भगवान शिव अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें लोग भोले बाबा भी कहते हैं। लेकिन हमेशा शांत स्वरूप में रहने वाले भोलेनाथ को जब गुस्सा आता है तो धरती डोलने लगती है। इसलिए यदि आप शिवजी को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो इन सात चीजों को शिवलिंग पर कभी न चढ़ाएं। दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको उन सात चीजों के बारे में बताते हैं जो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली वस्तु है शंख। भगवान शिव पर शंख से कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक एक असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में शंख से कर सकते हैं, लेकिन शिव जी की पूजा शंख से नहीं करनी चाहिए। दूसरी वस्तु है तुलसी। तुलसी का पत्ता कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। कारण यह है कि जलंधर नामक असुर की पत्नी वृंदा के अंश से तुलसी का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए तुलसी से शिवजी की पूजा नहीं की जाती है। तीसरी वस्तु है तिल्ली। तिल, यह भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुई है माना जाता है, इसीलिए भगवान शिव को तिल्ली नहीं चढ़ाई जाती है और नहीं चढ़ानी चाहिए। चौथी वस्तु है खंडित चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने का उल्लेख शास्त्रों में किया गया है, लेकिन टूटा हुआ यानी खंडित चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। पांचवी वस्तु है कुमकुम, जो कि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर, कुमकुम, यह सौभाग्य के प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी है, इसीलिए भगवान शिव पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर चंदन का लेप किया जाता है, चंदन लगाया जाता है और भस्म लगाई जाती है। छठवीं वस्तु है हल्दी। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से है, इसीलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती है। हड़तालिका तीज पर हल्दी भगवान शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में हल्दी भगवान शिव पर नहीं चढ़ानी चाहिए। सातवीं वस्तु है नारियल। नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नारियल को श्रीफल भी कहते हैं, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है, इसीलिए शिव जी पर शिवलिंग पर नारियल नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे अभी लाइक कर ले, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी जानकारी आप और चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या तो आप हमारी ईमेल आईडी पर या तो फिर हमारे सोशल मीडिया के लिंक जो आपको नीचे दिए हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के, तो वहां पर भी जाकर आप हमें आपकी समस्या हमें बता सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई उसका तुरंत ही आपको जवाब देंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से ऐसे ही जुड़े रहे और हमारे वीडियो आगे ऐसे ही आते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर पहले मिल जाए। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।